पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 2 अब हम लोग करने जा रहे हैं बच्चों। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ग्रुप्स को छोड़ के पीरियड्स के बारे में सारी बातें करी थी। इस बार हम लोग सारी बातें ग्रुप्स को लेके करने जा रहे हैं। आपको बताया कि टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे जो ग्रुप नंबर 1 है, जिसको रोमन लेटर में 1A भी लिखते हैं, इसको हम लोग एल्कली मेटल्स कहते हैं, एल्कली मेटल्स, क्योंकि भाई इनके जो बेसिस होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं ग्रुप 1A के, एंड वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज अल्कली, ठीक है। पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए आपको। इसमें ग्रुप 1A में लिथियम से लेके और फ्रेंशियम तक के एलिमेंट पाए जाते हैं। जैसे मैं यहाँ ग्रुप 1 लिखने की कोशिश करता हूँ, HLINAKRBCSFR। हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री, ये याद करने का तरीका है ग्रुप्स को। ये मैंने पीरियोडिक टेबल सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के वीडियो में डाला हुआ है। इसके अलावा ग्रुप नंबर 2 में आते हैं, जिसको रोमन लेटर में हम 2A भी लिखते हैं, और इसको हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल में एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक आते हैं? इसमें एलिमेंट बेरिलियम से लेके रेडियम तक आते हैं। इसके अलावा ग्रुप नंबर 3 to 12, इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की टोटल 3 सीरीजेज है, टोटल 3 सीरीज है। तो पहली जो सीरीज है ट्रांजिशन एलिमेंट की, वो स्कैंडियम SC, स्कैंडियम से लेके जिंक तक पाई जाती है। दूसरी सीरीज यट्रियम Y से लेके कैडमियम तक पाई जाती है, और तीसरी सीरीज लेंथेनियम से लेके और मरकरी तक पाई जाती है, मरकरी तक पाई जाती है, ठीक है। तो 3 सीरीजेस इसकी हैं। इसके अलावा हमारे पास ग्रुप नंबर 13 to 16 है। तो 13 to 16 ग्रुप को हम लोग 3A से लेके और 6A ग्रुप तक बोलते हैं। इनको हम लोग पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद वाले, ठीक है, पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। इसके अलावा ग्रुप नंबर 17, इसको हम लोग हैलोजेंस बोलते हैं। हैलो का मतलब सॉल्ट होता है, जेन का मतलब टू प्रोड्यूस होता है, यानी सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। तो इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये सारे पाए जाते हैं। इसके अलावा लास्ट ग्रुप, दैट इज 18 ग्रुप, जिसे जीरो ग्रुप कहते हैं, इसमें नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज आती हैं। क्या क्या होती हैं? HE, NE, AR, KR, XE, RN, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है जी। अब ट्रांजिशन एलिमेंट की एक खास बात यह है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो पाए जाते हैं वो सारे एलिमेंट्स मेटेलिक होते हैं। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट के एक तरफ स्ट्रॉन्ग मेटल्स होते हैं, दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। और मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में बताया था कि इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो पेनल्टी मेट शेल में भरते हैं, यानी इनर ऑर्बिटल में भरते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के बारे में जानना चाहिए बच्चों। लेंथेनाइड, जैसे ये पीरियोडिक टेबल आपकी है, लाइक दिस पीरियोडिक टेबल है, तो ये जो नीचे दो ग्रुप बने रहते हैं इस तरीके से अलग सिस्टम बना रहता है, इसको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, इनर ट्रांजिशन
एलिमेंट्स कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो जैसे न्यूक्लियस है और ये तमाम सारे आपके सेल्स हैं, तो ये एन है वैलेंस शेल, ये एन माइनस वन है पेनल्टीमेट शेल, ये एन माइनस टू है एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन या स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जिनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये वाला ग्रुप जो होता है ये लैंथेनाइड होता है, ये वाला ग्रुप जो होता है वो एक्टिनाइड्स होता है, और दोनों में 14-14 एलिमेंट्स होते हैं, 14-14 एलिमेंट्स ईच होते हैं। इसके अलावा लास्ट ग्रुप के बारे में हमने आपको बता रखा है कि ये नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस कहलाती हैं, अनरिएक्टिव होती हैं, और इनका जो कॉन्फिग्रेशन होता है वो स्टेबल कॉन्फिग्रेशन होता है। बच्चों इनका कॉन्फिग्रेशन स्टेबल कॉन्फिग्रेशन होता है। अब ग्रुप्स के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग और पढ़ेंगे, उनको हम लोग देखेंगे। डाउन जो जाते हैं ये ग्रुप्स होते हैं, तो इनमें हम लोग देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स सेम, ठीक है। एक ग्रुप हम आपको लेके दिखाते हैं, जैसे एच एल आई एन ए के आर बी सी एस एफ आर, ये ग्रुप नंबर वन हम लेके दिखाते हैं, कॉन्फिग्रेशन वन, कॉन्फिग्रेशन 2.1, कॉन्फिग्रेशन 2.8.8, सॉरी सॉरी 2.8.1, कॉन्फिग्रेशन 2.8.8.1 एंड सो ऑन। इनके एटॉमिक नंबर्स आप जानते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19 एंड सो ऑन। तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो सब में सेम है, यानी एक ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम। अच्छा, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ही निर्भर करती है, डिपेंड करती है। तो डाउन द ग्रुप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो रिमेन्स सेम, हालांकि एटॉमिक वेट बढ़ने से थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, लेकिन मोर और लेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स सेम, ठीक है जी। इसके अलावा आप ये ध्यान देंगे कि हम नंबर ऑफ शेल्स लेते हैं, नंबर ऑफ शेल्स तो ये होती है इंक्रीज बाई वन। भाई यहाँ एक बार कॉन्फिग्रेशन है एक शेल है, दो बार कॉन्फिग्रेशन है तो दो सेल हो गई, तीन बार कॉन्फ़िगरेशन है तो तीन शेल हो गई, चार बार कॉन्फ़िगरेशन है तो चार शेल हो गई, यानी डाउन द ग्रुप जाने पे शेल्स इंक्रीजेस बाई वन हो जाती है, ठीक है जी। इसके अलावा अब आप ध्यान दे रहे होंगे कि शेल्स की नंबर बढ़ रही है, तो न्यूक्लियस और शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस ज़्यादा होगा अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर कहलाती है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर या मेटेलिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज करता है ना, मेटेलिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर ये इंक्रीज करता है। इसके अलावा आपकी बुक में ग्रुप वन ए और ग्रुप सेवन ए इनका कंपैरिजन चार्ट दिया गया है, इसी को ग्रुप वन भी कहते हैं, इसी को ग्रुप 17 भी कहते हैं, इनका कंपैरिजन चार्ट दिया गया है। तो सही बच्चे जानते हैं कि इसको हम लोग एल्कली मेटल्स बोलते हैं और इसको हम लोग हैलोजेंस बोलते हैं, ठीक है जी। तो एल्कली मेटल्स के अंदर कौन कौन आते हैं, एल आई एन ए के आर बी सी एस एफ आर, इसमें क्या क्या आते हैं, एफ सी एल बी आर आई ए टी, ठीक है जी, ये सारे आते हैं। इसके अलावा अगर हम वैलेंसी देखें तो ये यूनिवेलेंट होते हैं और इनकी वैलेंसी प्लस वन होती है क्योंकि मेटेलिक नेचर के होते हैं, ये भी यूनिवेलेंट होते हैं, लेकिन क्योंकि नॉन मेटल होते हैं इसलिए इनकी वैलेंसी माइनस वन होती है।
दे आर हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड दे आर हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव, ये हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव है, ये भी हाईली रिएक्टिव है, ठीक है जी। इसके अलावा ये लाइट एंड सॉफ्ट, लाइट एंड सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, ठीक है जी, और ये नॉन मेटल्स होते हैं, स्ट्रॉन्गली रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। और ये याद रखिएगा इसमें ब्रोमीन लिक्विड होता है, बाकी सब की सब गैसेस होते हैं, ठीक है। और आयोडीन जो होता है वो सॉलिड होता है, सबलाइम सॉलिड। फिर देख लीजिए ये गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये सबलाइम सॉलिड होता है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं। एक बात आप और जाने कि जैसे मेटल है एम, ठीक है, हाँ ये मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाते हैं। तो भूलिएगा नहीं, जैसे एक मैं समझाने के लिए बता देता हूँ, लियोगर याद रखिएगा, लियोगर, लियोगर मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो आप ये ध्यान दें कि यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी रिएक्शन जो हो रही है वो ऑक्सीडेशन की हो रही है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है मतलब रिडक्शन हो रही है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग मेटल्स होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल होने की वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, यानी बड़ी अच्छी ऑक्सीडेशन रिएक्शन देते हैं, यानी वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। तो दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। और जो सेवन ए होते हैं स्ट्रांगली नॉन मेटल होते हैं, बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर कम होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर ज़्यादा होगी। नॉन मेटल से ये भी रिएक्ट करते हैं और ये भी रिएक्ट करते हैं, ठीक। अब जैसे देखिए, नॉन मेटल से सोडियम ने रिएक्ट किया NaCl बना लिया, पोटेशियम ने रिएक्ट किया KBr बना लिया, ठीक है जी। और इन्होंने भी नॉन मेटल से जैसे फॉस्फोरस से क्लोरीन रिएक्ट करके PCl3 बना लेती है, इसके अलावा सल्फर क्लोरीन से रिएक्ट करके H2Cl2 बना लेती है, ठीक है जी। फिर इनके जो हाइड्राइड्स होते हैं, जैसे हमने लिथियम हाइड्राइड ले लिया, सोडियम हाइड्राइड ले लिया, ये पिछले लेक्चर में बताया था, दे आर आयनिक हाइड्राइड्स, दे आर आयनिक हाइड्राइड्स एंड बेसिक। और जबकि इसके जो हाइड्राइड होते हैं, जैसे आपका HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, तो ये कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं और एसिडिक होते हैं, दे फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड्स एंड एसिडिक, ठीक है जी। इसके अलावा अब हमने एक टॉपिक पढ़ा था पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है रीअकरेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट आफ्टर सर्टेन इंटरवल, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट मीन्स रीअकरेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एट डेफिनेट इंटरवल्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जनरली एटॉमिक नंबर 2, 8, 18 और 32 के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स री अपीयर होते हैं, ठीक। या हम क्या कह सकते हैं कि द प्रॉपर्टीज विच अपीयर एट रेगुलर इंटरवल्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक।
तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि अब हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। जिन प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी पाई जाती है, जो रेगुलर इंटरवल पर रियकर होती हैं, उनको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब हमारे कोर्स में कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है? एक तो हम लोगों को पढ़ना है एटॉमिक रेडियस, या इसी को एटॉमिक साइज कहते हैं। दूसरा आयोनाइजेशन पोटेंशियल आईपी, ये इसी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तीसरा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, चौथा है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इसके अलावा मेटैलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटैलिक कैरेक्टर। ठीक, फिर आपको पढ़ना है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके अलावा नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्सी एसिड्स, हाइड्राइड्स, इन सबको हम पहले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं ये वाले तीनों, लेकिन फिर एक बार देख लेंगे। अब पीरियोडिसिटी क्या होता है उसकी डेफिनेशन बताई, पीरियोडिक टेबल क्या होता है, सॉरी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होता है उसके बारे में बताया, तो रीजन फॉर पीरियोडिसिटी क्या है, रीजन फॉर पीरियोडिसिटी मान लीजिए एग्जाम में आ जाता है, तो आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर, आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर, सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन अकर्स एंड दिस इज द रीजन फॉर पीरियोडिसिटी। ठीक है, एंड वी नो प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल्स। ठीक है जी, तो अब आप ये देखिए कि रीजन क्या है कि सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आफ्टर सर्टेन इंटरवल रिपीट होना, ये रीजन फॉर पीरियोडिसिटी है बच्चों। अब यहां से हम पहली प्रॉपर्टी पढ़ने पर आ गए जिसको हम बोलेंगे बच्चों एटॉमिक रेडियस, या इसी को बोलते हैं एटॉमिक साइज। तो जैसे मान लेते हैं कि ये न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर ये शेल्स है, लाइक दिस, दीज आर शेल्स। तो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दिस इज एटॉमिक रेडियस आर। इसको बच्चों हम लोग एटॉमिक रेडियस आर कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज एटॉमिक रेडियस, और एटॉमिक रेडियस की यूनिट एंगस्ट्रॉम होती है, एंगस्ट्रॉम में हम इनको नापते हैं। अब जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल जो आपकी बुक में दिया है, इसको ले लें, तो ये एक एटम हाइड्रोजन का, इसके अलावा ये दूसरा एटम हाइड्रोजन का, ठीक है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो दोनों न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसको हम लोग बॉन्ड लेंथ कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ। अब ये बहुत पास पास होते हैं, तो लगभग इसकी रेडियस और इसकी रेडियस जोड़ के जो निकलती है वही बॉन्ड लेंथ निकलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस डिफाइंस या डिटरमिन्स बॉन्ड लेंथ। अब फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, कौन कौन से फैक्टर एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं? तो पहला फैक्टर है नंबर ऑफ शेल्स, और दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। ठीक है, अब जरा से ध्यान दीजिएगा कि अक्रॉस द पीरियड हम जाते हैं, ठीक है, अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप हम जाते हैं। तो पहले याद रखिए, अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे, भाई जैसे मान लीजिए एक शेल है और ये क्या है, दो शेल है, तो जाहिर सी बात है एटॉमिक रेडियस क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। यानी इफ नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस देन एटॉमिक रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेस। दूसरा क्या है कि
अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, अगर ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेगा, यानी रेडियस को क्या कर देगा, कम कर देगा, यानी नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एंड इफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस सो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, तो ये हिसाब किताब होता है। ठीक, अक्रॉस द पीरियड हम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, यानी इसके हिसाब से हमारी एटॉमिक रेडियस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेकिन अक्रॉस द पीरियड जब हम जाते हैं, जैसे एक हम लिख लेते हैं पीरियड नंबर 2 लिख लेते हैं, एल आई बी ई बी सी एन ओ एफ एंड सो ऑन, एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, भाई एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है और एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, तो यानी न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस घटेगा, डिक्रीज होगा, यानी अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस क्या करता है, डिक्रीज करता है। ओवरऑल इफेक्ट आता है कि ये अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है जी, ये डिक्रीज कर जाता है। अब डाउन द ग्रुप आ जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाने पे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, जैसे आपने देखा एच एल आई एन ए के, तो इसका कॉन्फिग्रेशन 1 है तो 1 हो जाएगा, है एल आई का 2,1 हो जाएगा, सोडियम का 2,8, तो शेल्स बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो ओवरऑल क्या करना चाहिए, घटना चाहिए। बट नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज डोमिनेट्स ओवर इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, हेंस ओवरऑल एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। फिर बता रहा हूं कि नीचे जाने पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती है तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करनी चाहिए, न्यूक्लियर चार्ज मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है तो एटॉमिक रेडियस घटनी चाहिए, यानी दोनों ऑपोजिट फैक्टर्स जा रहे हैं। बट आपको क्या लिखना है एग्जाम में, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स डोमिनेट्स ओवर इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, हेंस ओवरऑल एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, तो एटॉमिक रेडियस आर अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज करती है और डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। एक इसमें छोटी सी बात आपको और जाननी चाहिए बच्चों, कि जैसे इस तरीके से हम लोग जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस आपकी इधर जाने पे डिक्रीज कर रही है। ठीक, अब एक बात याद रखिएगा कि न्यूक्लियस है और ये आपके पास शेल्स है, तो एवरी नेक्स्ट स्टेप इन पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बढ़ते चले जाते हैं, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बढ़ जाता है, न्यूक्लियस जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच के रेडियस को घटाने की कोशिश करता है, और ये जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हैं ये रेडियस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो जो नोबल गैसेस होता है, जैसे नियॉन ले लेते हैं, इसमें मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो मैक्सिमम रिपल्शन होता है, इसीलिए रेडियस घटते 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 एकदम से नोबल गैस में बढ़ जाती है। तो वाई सो, बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज मैक्सिमम। तो एक बात तो ये याद रखिएगा। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि जैसे आपने सोडियम लिया और सोडियम प्लस लिया, है ना जी, इसको समझिए, सोडियम प्लस लिया तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फिग्रेशन 2,8,1, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, लेकिन प्लस 1 की वजह से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कॉन्फिग्रेशन 2,8 हो गया। अब आप खुद देखिए, न्यूक्लियस शेल्स, न्यूक्लियस शेल्स, तो यहाँ पे 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे और यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, है ना जी। तो ये जो कैटायन आपका बना है, कैटायन, इस कैटायन की रेडियस पेरेंट एटम की रेडियस से कम हो जाती है, कैटायनिक रेडियस इज लेसर देन इट्स पेरेंट एटम। व्हाई सो, इन कैटायन मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
हेंस अट्रैक्शन इंक्रीजेस इन साइज डिक्रीजेस। तो कैटायनिक साइज जो होती है वो पेरेंट न्यूट्रल एटम से कम होती है, ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। तो ये वाली चीज हमने एटॉमिक रेडियस में कर ली बच्चों। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। उस नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या इसी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आपने एक एटम बनाया इमेजिनरी इस तरीके से, और ये इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो आप ही समझिए कि ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, और अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हमें इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। एंड मिनिमम एनर्जी दैट इज नीडेड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। यानी कि हमको एटम कैसा चाहिए? आइसोलेटेड न्यूट्रल एंड गैसियस। भैया जो एटम आइसोलेटेड होगा, किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करेगा, वो गैसियस तो होगा ही होगा। इसके अलावा एटम न्यूट्रल होना चाहिए ताकि एटम के प्लस माइनस चार्ज का कोई फर्क ना पड़े, और आइसोलेटेड होना चाहिए ताकि इसके अगल बगल के एटम्स का कोई फर्क ना पड़े। भाई इसके अगल बगल कोई एटम होगा तो उसका न्यूक्लियस इनके इलेक्ट्रॉन को, इसका न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और दोनों के न्यूक्लियस दोनों के इलेक्ट्रॉन रिपेल कर सकते हैं, उसका असर आ जाएगा। सो इन आइडियल कंडीशन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयनेशन पोटेंशियल और आयनेशन एनर्जी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम इज नोन एज आयनेशन पोटेंशियल और आयनेशन एनर्जी। ठीक है जी, अब आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये मेटल है या एलिमेंट है कोई, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला और एम प्लस बना, तो जो एनर्जी लगी उससे हम आयनेशन पोटेंशियल वन या आयनेशन एनर्जी वन कहते हैं। फिर एम प्लस में से हमने एक इलेक्ट्रॉन और निकाला तो आपका एम प्लस टू बना। आप जो आयनेशन एनर्जी लगी उसको आयनेशन पोटेंशियल टू कहते हैं, एंड क्लियरली वी कैन सी दैट आयनेशन पोटेंशियल टू इज ग्रेटर देन आयनेशन पोटेंशियल वन। भाई ऐसा है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कम है, यानी प्रोटॉन ज्यादा है, तो ज्यादा प्रोटॉन कम इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेंगे। जब ज्यादा खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा, यानी ज्यादा एनर्जी लगेगी, यानी आयनेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं सक्सेसिव आयनेशन पोटेंशियल वैल्यूज इंक्रीजेस, और इसकी जो यूनिट होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। बच्चों आपको जानना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल होती है। छोटी क्लासेस में आपने W इज इक्वल टू वी क्यू फॉर्मूला पढ़ा होगा। ये क्यू चार्ज को हम ई ले लेते हैं और वी को वी रहने देते हैं, दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क डन की यूनिट होती है, और वर्क डन के लिए हमको एनर्जी चाहिए होती है, तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड ही तो आयनेशन पोटेंशियल है, इसलिए इसकी यूनिट जो होगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, आयनेशन पोटेंशियल की जो यूनिट होगी बच्चों वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अब कौन कौन से फैक्टर्स आयनेशन पोटेंशियल को है, फैक्टर्स अफेक्टिंग अफेक्टिंग आयनेशन पोटेंशियल? तो पहला फैक्टर जो है वो फैक्टर है आपका एटॉमिक साइज, और दूसरा फैक्टर जो है आपका वो है न्यूक्लियर चार्ज। देखिए पिछली बार जब मैंने आपको, अभी पिछली बार मीन्स अभी जब आपको मैंने पढ़ाया, तो मैंने आपको ये बताया कि अक्रॉस द पीरियड जाने पे जो आपकी एटॉमिक रेडियस होती है वो डिक्रीज कर जाती है, लाइक दिस यू कैन सी। हाँ ऐसे अक्रॉस द पीरियड जाने पे जो एटॉमिक रेडियस होती है वो डिक्रीज कर जाती है, और डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर जाती है। ठीक है जी,
आप खुद सोचिए, इन सबके बीच में हमें जो डॉट बना रहे हैं, ये न्यूक्लियस बना दे रहे हैं, लाइक दिस न्यूक्लियस बना दे रहे हैं, ठीक है जी। तो अब आप ये समझिए, इफ एटॉमिक साइज है ना इंक्रीजेस, अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो आयनेशन पोटेंशियल डिक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो आयनेशन पोटेंशियल इंक्रीज होगा। इसको समझाते हैं, देखिए भाई, एटॉमिक रेडियस ज्यादा थी फिर कम होती चली गई, तो एटॉमिक रेडियस जब कम हो रही है तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है ना, और डिस्टेंस कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, यहां डिस्टेंस सबसे कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी सबसे ज्यादा लगेगी, यानी आयनेशन पोटेंशियल ज्यादा होगी, यानी एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज करेगी तो आयनेशन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। डाउन जाने पे आप देख रहे हैं कि साइज बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है तो अट्रैक्शन घट रहा है, अट्रैक्शन घट रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी कम लग रही है, यानी आईपी डाउन जा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि आयनेशन पोटेंशियल अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, आप देखेंगे अक्रॉस द पीरियड आयनेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है इंक्रीज, और डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है डिक्रीज। तो ये तो एटॉमिक साइज का एक्सप्लेनेशन था। अब न्यूक्लियर चार्ज पे आ जाते हैं। न्यूक्लियर चार्ज बच्चों अक्रॉस द पीरियड जाने पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, क्योंकि हमारी पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। तो जाहिर सी बात है कि नंबर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वैलेंस शेल पे अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, और ज्यादा एनर्जी लगेगी तो आयनेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, यानी सेकेंड फैक्टर से भी आयनेशन पोटेंशियल का इंक्रीज जस्टिफाई हो रहा है। डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है तो आयनेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ये एक्सप्लेन कर चुके हैं। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आयनेशन पोटेंशियल इंक्रीज करना चाहिए, बट हेयर ऑल्सो इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस डोमिनेट्स ओवर इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। आई रिपीट, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज डोमिनेट्स ओवर इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, हेंस ओवरऑल आयनेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। ओवरऑल आयनेशन पोटेंशियल यहाँ क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। बच्चों आप ये जानो, इधर इंक्रीज कर रहा है और इधर डिक्रीज कर रहा है, तो पीरियोडिक टेबल को आप ध्यान से याद करो, तो इधर इंक्रीज है इधर डिक्रीज है, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम आयनेशन पोटेंशियल किसका होता है, हीलियम का, और डाउन द ग्रुप जाने पे ये डिक्रीज हो रहा है तो मिनिमम आयनेशन पोटेंशियल जो होता है वो सीजियम का होता है, होना फ्रेंशियम का चाहिए लेकिन फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव होता है तो सीजियम का होता है। अच्छा, जिसका आयनेशन पोटेंशियल सबसे कम होगा, ध्यान दीजिए भाई, जिसका आयनेशन पोटेंशियल सबसे कम होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, यानी इसमें मेटैलिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर मैक्सिमम होगा, है ना। तो मैक्सिमम मेटैलिक या मैक्सिमम इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन है, सीजियम। मिनिमम आयनेशन पोटेंशियल किसका है, सीजियम का है। हाईएस्ट आयनेशन पोटेंशियल किसका है भाई, हीलियम का है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको बताई गई आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। तो ये सेकेंड लेक्चर बच्चों यहीं पे फिनिश करते हैं, उसके बाद थर्ड लेक्चर में बचा कुचा हिसाब किताब हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।